हेलो स्टूडेंट्स, आज हम मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि व्हाट आर न्यूट्रिएंट्स। अ सब्सटेंस दैट प्रोवाइड्स नरिशमेंट एसेंशियल फॉर द ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ लाइफ इज कॉल्ड न्यूट्रिएंट। ऐसा कोई भी सब्सटेंस जो प्लांट की ग्रोथ और लाइफ की मेंटेनेंस के लिए आवश्यक हो, उसे हम पोषक तत्व कहते हैं। Plants require only light, water and about 20 elements to support all their biochemical needs. Plants को केवल light, water और लगभग 20 elements चाहिए होते हैं उनके सारे काम के लिए, पूरे metabolism और growth और development के लिए। These 20 elements are called essential nutrients. अब इन 20 elements को essential nutrients कहा जाता है। अब कोई भी चीज़ अगर essential है मीन्स आवश्यक है, तो उसका कोई ना कोई रीज़न है। तो फॉर एन एलिमेंट टू बी रिगार्डेड एज एसेंशियल, थ्री क्राइटेरिया आर रिक्वायर्ड। फर्स्ट, एन एलिमेंट इज एसेंशियल इफ़ अ प्लांट कैन नॉट कंप्लीट इट्स लाइफ साइकिल विदाउट इट। अब कोई भी एलिमेंट एसेंशियल तब कहलाएगा जिसके बगैर प्लांट अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट न कर पाए। इफ नो फर्दर एलिमेंट कैन परफॉर्म द सेम फंक्शन, और अगर उस एलिमेंट का काम कोई और ना कर पाए, मीन्स उसका कोई सब्स्टिट्यूट ना हो कि कार्बन की जगह पर नाइट्रोजन कार्बन की जगह रिप्लेस हो सकता है या कार्बन की जगह पे फॉस्फोरस कार्बन का काम कर सकता है, तो कार्बन एसेंशियल एलिमेंट नहीं होगा। लेकिन कार्बन का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, कार्बन का काम कार्बन ही कर सकता है और वो ग्रोथ के लिए और लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी है, तो कार्बन एक तरीके से एसेंशियल एलिमेंट है। इफ़ इट इज़ डायरेक्टली इन्वॉल्व इन द न्यूट्रिशन, और कोई भी एलिमेंट जो पोषण में डायरेक्टली इन्वॉल्व हो, इन को हम एसेंशियल एलिमेंट्स या एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स कहेंगे। तो सबसे पहले वो एलिमेंट जो प्लांट की लाइफ के लिए, ग्रोथ के लिए बिल्कुल आवश्यक हो और उसका कोई सब्स्टिट्यूट ना हो और ये पोषण में डायरेक्टली इन्वॉल्व हो, ऐसा एलिमेंट एसेंशियल एलिमेंट या एसेंशियल न्यूट्रिएंट कहलाता है। An essential nutrient required by the plant in large amount is called a macronutrient, while one required in very small amount is termed as a micronutrient. Normally, जितने भी essential nutrients हैं उनको दो major groups के अंदर divide किया गया है, macronutrient and micronutrient, on the basis of their requirement. अब जो न्यूट्रिएंट अधिक मात्रा में रिक्वायर्ड होते हैं उनको मैक्रोन्यूट्रिएंट्स कहा जाता है, और ऐसे पोषक तत्व जिनकी बहुत थोड़ी सी मात्रा ही रिक्वायर्ड है पौधों के द्वारा, उसको माइक्रोन्यूट्रिएंट्स कहा जाता है। ये एक चार्ट हम देख रहे हैं जहाँ पर सारे एसेंशियल एलिमेंट जो प्लांट न्यूट्रिएंट्स हैं उसके बारे में दिखाया गया है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि जो बेसिक फ्रेमवर्क एलिमेंट्स के बारे में बात की गई है, जो थ्री फ्रेमवर्क एलिमेंट्स हैं जो डायरेक्टली एयर और वाटर से पौधों को मिलते हैं, वो हैं कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ये जो फ्रेमवर्क एलिमेंट्स हैं वो किसी भी सेल या प्लांट के स्ट्रक्चर का के बेसिक एलिमेंट्स हैं। इनके बगैर प्लांट का स्ट्रक्चर पॉसिबल नहीं है। इन तीनों को ही प्लांट एयर के थ्रू या वाटर के थ्रू प्राप्त करता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पर जो मिनरल एलिमेंट्स हैं, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये तीनों ही गैशियस फॉर्म में हैं और प्लांट्स स्ट्रोमेटा के थ्रू इनको एब्जॉर्ब करते हैं, या फिर ऑक्सीजन वाटर से मिलती है तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों ही वाटर से मिल जाएंगे और कार्बन को जो हमारा प्लांट है वो स्ट्रोमेटा के थ्रू गैशियस फॉर्म में एब्जॉर्ब करता है। इसके अलावा कुछ मिनरल एलिमेंट्स हैं जो कि सॉइल में मौजूद होते हैं आयनिक फॉर्म्स में। अब इन आयंस को हमारा रूट सिस्टम एब्जॉर्ब करके डिफरेंट प्लांट पार्ट्स तक पहुंचाता है। इसको दो के अंदर डिवाइड किया गया है, ग्रुप्स के अंदर, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स मीन्स ऐसे पोषक तत्व जो जिनकी क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा मात्रा में रिक्वायर्ड होती है प्लांट की ग्रोथ के लिए, प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स एंड सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स। इसमें प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम। अब ये जो तीनों हैं, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये तो बेसिक फ्रेमवर्क एलिमेंट्स हैं। इसके अलावा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं वो हैं नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम, क्योंकि हमारा जो नाइट्रोजन है वो मेनली
प्रोटीन या डीएनए इसका बेसिक पार्ट है ये सारे, तो ये हमारे प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स हैं। इसके अलावा जो सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स हैं जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर, ये जितने भी प्लांट ग्रोथ के लिए जो भी मेटाबॉलिक रिएक्शंस हो रही हैं या फिर बेसिक स्ट्रक्चर में भी कैल्शियम जैसे कि सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बेसिक स्ट्रक्चर में इन सब की ज़रूरत होती है, तो ये सारे मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं। इसके अलावा कुछ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जो बहुत कम मात्रा में आवश्यक हैं प्लांट की ग्रोथ के लिए, जैसे कि जिंक है, कॉपर, मैंगनीज, ये सारे अगर ना हो तो क्लोरोसिस हो जाएगा, क्लोरोफिल स्ट्रक्चर में इनकी ज़रूरत होती है। तो इस तरीके से ये छोटी जो ऐसे पोषक तत्व जिनकी बहुत थोड़ी सी मात्रा हमारे प्लांट्स के लिए ज़रूरी है, उनमें है जिंक, कॉपर, मैंगनीज, आयरन, बोरोन, मॉलिब्डेनम, क्लोरीन एंड निकल। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि ये सारे एलिमेंट्स हमारे प्लांट्स के लिए बेसिक न्यूट्रिएंट्स का काम करते हैं। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, द फर्स्ट ऑफ दीज मैक्रोन्यूट्रिएंट्स जो बेसिक फ्रेमवर्क एलिमेंट्स थे उनमें कार्बन सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड्स और बहुत सारे कंपाउंड्स, उसका बेस, जितने भी मैक्रोमोलिक्यूल्स प्लांट में या किसी भी लिविंग सेल के अंदर पाए जाते हैं, कार्बन उनका बेसिक एलिमेंट है। तो जो सबसे मेजर एलिमेंट किसी भी प्लांट की ग्रोथ के लिए या मेंटेनेंस के लिए ज़रूरी है, दैट इज़ कार्बन। ऑन एन एवरेज द ड्राई वेट ऑफ अ सेल इज़ 50% कार्बन। तो देखिए आप, 50% किसी भी प्लांट का जो ड्राई वेट है वो कार्बन का ही बना हुआ है, तो दिस इज़ द की न्यूट्रिएंट या की एलिमेंट ऑफ एनी प्लांट बायो मॉलिक्यूल्स और एनी मैक्रो मॉलिक्यूल्स। द नेक्स्ट मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन प्लांट सेल इज नाइट्रोजन। इट इज पार्ट ऑफ प्रोटीन्स एंड न्यूक्लिक एसिड्स। नाइट्रोजन इज ऑल्सो यूज इन द सिंथेसिस ऑफ सम विटामिन्स। तो जो हमारा नाइट्रोजन है वो नेक्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है हमारे प्लांट ग्रोथ के लिए और मेटाबॉलिज्म के लिए। नॉर्मली जो नाइट्रोजन है, ऐसे तो एटमोसफेयर में 70% से ज़्यादा नाइट्रोजन ही मौजूद है, पर जो हमारे पौधों के लिए सॉइल में नाइट्रोजन प्रेजेंट होती है वो नॉर्मली नाइट्रेट्स और अमोनिया और यूरिया की फॉर्म में होती है, और जितनी भी माइक्रोबायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ हैं वो सारी नाइट्रोजन पे बेस्ड होती है। तो नॉर्मली अगर कोई नाइट्रोजन डेफिशिएंसी है तो प्लांट की प्लांट ग्रोथ और मेटाबॉलिज्म सबसे ज़्यादा अफेक्ट होते हैं। दूसरी चीज़ क्लोरोसिस, यानी कि येलोइंग ऑफ फ्लावरिंग लीफी प्लांट्स इज़ द मेन बेसिक डिजीज़ विच इज़ कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ नाइट्रोजन। अब इसके साथ साथ येलोइंग भी होगी लीव्स की, साथ ही साथ तो जो सेनेसेंस है, जीर्णता है, वो भी नाइट्रोजन डेफिशिएंसी में नॉर्मली देखने को मिलती है। अब जब जितने भी लीफी पार्ट हैं सबसे ज़्यादा वो अफेक्ट होंगे अगर किसी भी प्लांट के अंदर नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी है, नॉर्मली प्लांट का साइज़ रिड्यूस हो जाएगा, और अगर प्लांट का साइज़ रिड्यूस होगा तो प्लांट ग्रोथ भी डेफिनेटली सफ़र करेगी, और जो हमारी डोमेंसी ऑफ बड है वो भी बढ़ जाएगी अगर नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी है। तो इस तरीके से जो नाइट्रोजन है वो किसी भी प्लांट की ग्रोथ के लिए मेन इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड है, क्योंकि सारे एमिनो एसिड्स, प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड, जैसा कि हमने पढ़ा, क्लोरोफिल, ये सारे नाइट्रोजन बेस्ड हैं, नाइट्रोजन से बने होते हैं। तो इसीलिए नाइट्रोजन की अगर किसी भी प्लांट के अंदर डेफिशिएंसी है तो प्लांट्स की बेसिक ग्रोथ अफेक्ट होती है। हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आर मैक्रोन्यूट्रिएंट्स दैट आर पार्ट ऑफ मैनी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड ऑल्सो फॉर्म वाटर। अब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन डेफिनेटली मिलकर के वाटर बनाते हैं, इसके अलावा भी जितने भी मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं या जितने भी प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, आप कुछ भी देख लीजिए, उनके बेसिक स्ट्रक्चर में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन और कार्बन तीन ही बेसिक चीज़ें हैं। तो ये तीनों अगर इनकी डेफिशिएंसी है तो टोटल प्लांट ग्रोथ अफेक्ट होगी। कोई भी मेटाबॉलिज्म की मेटाबॉलिक या कैटाबॉलिक रिएक्शंस पॉसिबल नहीं है अगर इनकी डेफिशिएंसी हो या एब्सेंस हो। ऑक्सीजन इज़ नेसेसरी फॉर सेलुलर रेस्पिरेशन,
प्लांट्स यूज ऑक्सीजन टू स्टोर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। एटीपी के फॉर्म में अगर एनर्जी को स्टोर करना है तो प्लांट्स ऑक्सीजन काम में लेते हैं। जैसा कि हम फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन में भी देखते हैं कि वाटर से जो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स है उससे इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है और फोटोफॉस्फोराइलेशन में काम में आता है, और इस तरीके से जो ऑक्सीजन बाहर निकलती है वो हमारे फोटोसिंथेसिस में वाटर से निकलती है। और यहाँ जो भी रिएक्शन होती है फोटोफॉस्फोराइलेशन में, उसके बाद में जो एटीपी बनते हैं जो एनर्जी का मेन सोर्स है, उन सब के लिए भी ऑक्सीजन ज़रूरी है। तो इस तरीके से कार्बन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन जो मेन मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं वो हमारे प्लांट की सारी रिएक्शंस को, सारे डेवलपमेंट और ग्रोथ को अफेक्ट करते हैं। फॉस्फोरस, अनदर मैक्रोमोलिक्यूल, इज नेसेसरी टू सिंथेसाइज न्यूक्लिक एसिड एंड फॉस्फोलिपिड्स। फॉस्फोरस का नाम नॉर्मली जब हम कहाँ सुनते हैं, एटीपी, एडीपी, तो यहाँ पर क्या है, एज अ पार्ट ऑफ एटीपी फॉस्फोरस एनेबल्स फूड एनर्जी टू बी कन्वर्टेड इंटू केमिकल एनर्जी थ्रू ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन में जो ETS साइकिल है वहाँ पर ATM की फॉर्म में एनर्जी स्टोर होती है। इसी एनर्जी को काम में लिया जाता है किसी भी रिएक्शन के लिए, जो भी रिएक्शंस या प्लांट ग्रोथ के लिए नेसेसरी एक्टिविटीज़ हैं उन सब में ATP की फॉर्म में एनर्जी स्टोर रहती है, और ATP के फॉर्म में ही उनको काम में लिया जाता है। लाइट एनर्जी इज कन्वर्टेड इंटू केमिकल एनर्जी ड्यूरिंग फोटोफॉस्फोराइलेशन इन फोटोसिंथेसिस एंड इंटू केमिकल एनर्जी टू बी एक्सट्रैक्टेड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। तो ये सारी जो एनर्जी फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में जब फोटोफॉस्फोराइलेशन होता है उस वक्त लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में स्टोर किया जाता है ATP के फॉर्म में, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो वहाँ पर ये फॉस्फोरस हमारा काम आ रहा है फॉस्फेट के फॉर्म में। और ये अगर फॉस्फोरस की डेफिशिएंसी है तो डेफिनेटली बहुत सारी ऐसी डिजीजेज जो हमारी प्लांट ग्रोथ के लिए और मेटाबॉलिज्म की ज़रूरी है वो अफेक्ट होती है। नॉर्मली जो फॉस्फोरस की डेफिशिएंसी के सिम्टम्स हैं वो नाइट्रोजन डेफिशिएंसी के सिम्टम्स से ही मिलते हैं, जैसे कि सेनेसेंस हुआ, नेक्रोसिस हुआ, ये सारी चीज़ें जो क्लोरोसिस है, ये सारी फॉस्फोरस डेफिशिएंसी में भी देखने को मिलती है, जो कि नॉर्मली हमने नाइट्रोजन डेफिशिएंसी में देखी थी। और कोई भी फॉस्फोरस सिस्टम है हमारा फॉस्फोराइलेशन के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट एलिमेंट या कंपाउंड है, जो कि ATP के फॉर्म में एनर्जी को स्टोर करता है, और यही केमिकल एनर्जी प्लांट्स या किसी भी लिविंग सेल के में मेटाबॉलिज्म में एनर्जी के सोर्स के रूप में काम आती है। पोटेशियम, पोटेशियम इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज ऑफ इट्स रोल इन रेगुलेटिंग स्टोमेटल ओपनिंग एंड क्लोजिंग। स्टोमेटा की ओपनिंग एंड क्लोजिंग एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। अभी हमने जैसे कि बात की कि कार्बन डाइऑक्साइड को पौधे डायरेक्ट स्टोमेटा से एब्जॉर्व कर लेते हैं। अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्व करते हैं उसके लिए स्टोमेटा का खुला होना ज़रूरी है, और अगर स्टोमेटा हमेशा खुले रहेंगे तो ट्रांसपिरेशन की रेट बढ़ जाएगी। तो ट्रांसपिरेशन रेट को रोकना भी हो और कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्व करना हो, तो जब बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है या धूप है तो हमें स्टोमेटा को क्लोज करना पड़ता है पौधों को। तो स्टोमेटा को परमानेंटली क्लोज या ओपन नहीं किया जा सकता है, अपने रिक्वायरमेंट के आधार पर स्टोमेटा को खोलना और बंद करना पड़ता है। तो ये जो स्टोमेटल ओपनिंग एंड क्लोजिंग का प्रोसेस है वो डायरेक्टली किससे अफेक्ट होता है, पोटेशियम से। और ये सारी चीज़ें क्या करेंगी, कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब होगा, कार्बन, जैसा कि हमने देखा कि कार्बन कितना इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट है या एलिमेंट है प्लांट ग्रोथ के लिए, तो ये जो पोटेशियम है ये भी इनडायरेक्ट वे में कार्बन डाइऑक्साइड जो एटमॉस्फेयर से ली जा रही है उसको अफेक्ट करता है, क्योंकि ये स्टोमेटल ओपनिंग एंड क्लोजिंग को मेन रूप से अफेक्ट करता है। पोटेशियम नॉर्मली सॉइल के अंदर प्रेजेंट होता है, डिफरेंट सॉल्ट की फॉर्म्स के अंदर ये प्रेजेंट होता है। यहाँ पर एज द ओपनिंग फॉर गैस एक्सचेंज स्टोमेटा हेल्प मेंटेन ए हेल्दी वाटर बैलेंस, अ
पोटेशियम आयन पम्प सपोर्ट दिस प्रोसेस। तो जैसा कि हमने बात की कि फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के अंदर जब कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होती है तो स्टोमेटा ओपन होते हैं, और बाद में ट्रांसपिरेशन कम हो या ना हो तो उसके लिए जब टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो स्टोमेटा क्लोज हो जाते हैं। तो गैशियस एक्सचेंज का जो प्रोसेस है उसमें हेल्प करते हैं हमारे पोटेशियम, और साथ ही साथ जो रूट्स वाटर को एब्जॉर्व करती हैं विद मिनरल्स, जितने की जैसा कि हमने पहले स्लाइड्स में भी देखा कि कुछ न्यूट्रिएंट्स हैं या फिर ज़्यादातर जो न्यूट्रिएंट्स है प्लांट सॉइल के थ्रू एब्जॉर्व करता है, तो ये पोटेशियम आयन पम्प सपोर्ट करता है वाटर बैलेंस को बनाए रखने में। तो इस तरीके से पोटेशियम हमारा जो मेनली फंक्शन करता है वो स्टोमेटल ओपनिंग एंड क्लोजिंग में करता है। सल्फर इज़ अ पार्ट ऑफ सर्टन एमिनो एसिड्स सच एज सिस्टीन एंड मिथियोनिन एंड इज़ प्रेजेंट इन सेवरल को एनजाइम्स। बहुत सारे को एनजाइम हैं जैसे और जो हमारे एमिनो एसिड्स हैं उनमें सल्फर मेन पार्ट है। सल्फर ऑल्सो प्लेज अ रोल इन फोटोसिंथेसिस एज अ पार्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन वेयर हाइड्रोजन ग्रेडियंट आर की इन द कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इंटू ATP। अब जो हमारा सल्फर है दो बेसिक काम है इसकी, नॉर्मली एमिनो एसिड्स और कोएंजाइम का ये फैक्टर है जिसके अंदर ये प्रेजेंट रहता है, और दूसरा फोटोसिंथेसिस जो ETC साइकिल है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन साइकिल है, जहाँ पर ATP के रूप में एनर्जी स्टोर होती है, वहाँ पर ये जो हाइड्रोजन ग्रेडियंट बनाए रखता है उसका जो की फैक्टर है वो सल्फर है। तो एक तरीके से सल्फर हमारे जो ATC साइकिल है उसके लिए बहुत ज़रूरी है, और ATC साइकिल के अंदर ATP बनते हैं, मीन्स केमिकल एनर्जी के रूप में जो लाइट एनर्जी है वो स्टोर होती है, और इसी एनर्जी को जितने भी प्रोसेसेस हैं उनमें काम में लिया जाता है। अब अगर सल्फर की डेफिशिएंसी हो जाए तो यहाँ पर जो हमारा प्लांट है नॉर्मली जो प्लांट की जो ग्रोथ है उसमें सेल डिवीजन है वो वाला पार्ट मेनली अफेक्ट करता है। जैसे इसमें अगर किसी भी प्लांट में सल्फर की डेफिशिएंसी है तो लीफ का साइज डिक्रीज हो जाएगा और नॉर्मली नेक्रोसिस देखने को मिलेगा, क्लोरोसिस देखने को मिलेगा, जो हमारी लीव्स हैं वो येलो हो जाएंगी, जैसा कि नाइट्रोजन डेफिशिएंसी और फॉस्फोरस डेफिशिएंसी में हमने देखा था। लगभग वैसे ही सिम्टम्स हमें सल्फर डेफिशिएंसी में भी देखने को मिलते हैं, पर एक थोड़ा सा डिफरेंस है कि नाइट्रोजन डेफिशिएंसी के अंदर हमेशा जो ओल्डर लीव्स हैं वो सबसे पहले येलो होती हैं, जबकि यहाँ पर सल्फर डेफिशिएंसी में जो यंगर लीव्स हैं वो नॉर्मली येलोइंग वहाँ से स्टार्ट होती है। अभी हमने कहा कि सेल डिवीजन मेन पार्ट है, तो सेल डिवीजन भी अफेक्ट करेगा हमारे सल्फर डेफिशिएंसी से, और अगर सेल डिवीजन अफेक्ट करेगा तो प्लांट की ग्रोथ अफेक्ट करती है। तो अगर सल्फर की डेफिशिएंसी है हमारे प्लांट में तो प्लांट ग्रोथ के साथ साथ हमारा जो लीव का साइज है वो भी रिड्यूस होगा, और यहाँ पर जो क्लोरोसिस है वो भी देखने को मिलता है सल्फर डेफिशिएंट प्लांट्स के अंदर। मैग्नीशियम एंड कैल्शियम आर आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। द रोल ऑफ कैल्शियम इज टू फोल्ड इट द रेगुलेट टू रेगुलेट न्यूट्रिएंट ट्रांसपोर्ट एंड टू सपोर्ट मैनी एंजाइम फंक्शंस। जो हमारा कैल्शियम है वो दो तरीके से काम करता है, एक तो टू रेगुलेट न्यूट्रिएंट ट्रांसपोर्ट, जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनके ट्रांसपोर्ट सिस्टम में कैल्शियम काम में करता है, और दूसरा बहुत सारे एंजाइम्स के जो फंक्शंस हैं वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड करते हैं हमारे कैल्शियम पर। मैग्नीशियम इज इम्पॉर्टेंट टू द फोटोसिंथेटिक प्रोसेस। These minerals along with the micronutrients also contribute to the plant's ionic balance. Magnesium photosynthesis में एक बहुत ही important role play करता है, और साथ ही साथ ये जितने भी minerals हैं या macronutrients हैं वो micronutrients के साथ मिलकर के, micronutrients normally ionic form में होते हैं, बहुत थोड़ी मात्रा में required होते हैं, और जो उनका main function है जो normally जो वो काम करते हैं वो किसी भी एंजाइमेटिक रिएक्शंस को बढ़ाने का काम करते हैं। तो इसी तरीके से जो मैग्नीशियम है वो भी हमारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के साथ मिलकर कंट्रीब्यूट करता है आयनिक बैलेंस को बनाए रखने में। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, अभी हमने मैक्रोन्यूट्रिएंट्स के बारे में बात की,
मैक्रोन्यूट्रिएंट्स मीन्स वो पोषक तत्व जो हमारे प्लांट की ग्रोथ के लिए बहुत आवश्यक हैं। बेसिक स्ट्रक्चर जो प्लांट का है वहाँ पर वो एक मेन रोल प्ले कर रहे हैं। जो भी मेटाबॉलिक रिएक्शंस हो रही हैं, सेल डिवीजन हो रहा है, या जो ग्रोथ की लिए जो भी रिएक्शंस हो रही हैं, मेटाबॉलिक या कैटाबॉलिक रिएक्शंस हो रही हैं, उसमें मेन एलिमेंट्स थे हमारे मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। उसके अलावा कुछ ऐसे न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं जो कि बहुत थोड़ी सी मात्रा में पौधों के लिए ज़रूरी होते हैं, पर अगर ये थोड़ी सी मात्रा भी ना हो तो हमारे प्लांट की ग्रोथ के साथ साथ बहुत सारी रिएक्शंस भी इनमें सफ़र करती हैं। तो ये माइक्रोन्यूट्रिएंट्स भी एसेंशियल हैं, पर इनकी बहुत थोड़ी सी मात्रा ही रिक्वायर्ड है, इसीलिए इसको माइक्रोन्यूट्रिएंट्स कहा जाता है। जैसे कि हम देख सकते हैं मैग्नीज, क्लोरीन, जिंक, कॉपर, बोरोन, मॉलिब्डेनम, कोबाल्ट, आयरन, ये सारे हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जो कि बहुत थोड़ी मात्रा में हमारे प्लांट्स के लिए आवश्यक हैं। इन एडिशन टू मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, ऑर्गेनिजम्स रिक्वायर वेरियस एलिमेंट्स इन स्मॉल अमाउंट। दीज माइक्रोन्यूट्रिएंट्स और ट्रेस एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इन वेरी स्मॉल क्वांटिटीज। द सेवन मेन माइक्रोन्यूट्रिएंट्स इंक्लूड्स बोरोन, क्लोरीन, मैग्नीज, आयरन, जिंक, कॉपर एंड मॉलिब्डेनम। आयरन, आयरन इज एसेंशियल फॉर क्लोरोफिल सिंथेसिस, विच इज़ वाई एन आयरन डेफिशिएंसी रिजल्ट्स इन क्लोरोसिस। आयरन को अगर इसकी उपयोगिता देखी जाए तो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में शामिल किया जाना चाहिए, क्योंकि जो हमारे प्लांट्स हैं उसका जो बेसिक काम है वहाँ पर क्लोरोफिल, जो फोटोसिंथेसिस का मेन काम कर रहा है, जिसके अंदर लाइट एनर्जी को हम स्टोर कर रहे हैं केमिकल एनर्जी के रूप में, उसका जो बेसिक कंपोनेंट है क्लोरोफिल, क्लोरोफिल सिंथेसिस का एसेंशियल एलिमेंट है आयरन। तो आयरन की जो इम्पोर्टेंस है वो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स जितनी ही है, पर ये बहुत थोड़ी सी मात्रा में आवश्यक होता है, इसीलिए इसको हम माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में शामिल करते हैं। और अगर आयरन की डेफिशिएंसी हो किसी भी प्लांट के अंदर, तो डेफिनेटली जो हमारे क्लोरोफिल से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, जैसे हमारी जो यंग लीव्स हैं क्लोरोटिक हो जाएगी, और जो वेन्स दिखाई देने लगती हैं, मीन्स क्लोरोफिल से रिलेटेड जो जितनी भी डिजीज़ हैं वो हमारे आयरन डेफिशिएंसी में देखने को मिलेगी। और यहाँ पर आयरन अगर क्लोरोफिल की सिंथेसिस करता है तो इनडायरेक्ट वे में ये हमारे पूरे प्लांट ग्रोथ से रिलेटेड है, क्योंकि जो पूरी प्लांट के लिए पोषक तत्वों के निर्माण का काम हो रहा है वो, या भोजन का निर्माण हो रहा है, दैट इज़ फोटोसिंथेसिस, वो हमारे क्लोरोफिल के अंदर हो रहा है। तो अगर आयरन की डेफिशिएंसी हो तो क्लोरोफिल अफेक्ट होगा और पूरी प्लांट ग्रोथ ही अफेक्ट होगी। और मेनली जो सिम्टम्स के तौर पर आयरन डेफिशिएंसी दिखाई देगी वो हमारे यहाँ पर क्लोरोसिस के फॉर्म में हमें दिखाई देगी, यंग लीव्स हैं वो येलो हो जाएंगी। मैंगनीज एक्टिवेट्स सम इम्पॉर्टेंट एंजाइम्स इन्वॉल्व इन क्लोरोफिल फॉर्मेशन। अब जो मैंगनीज है ये एक बहुत ही छोटी सी अमाउंट में आवश्यक होता है, लेकिन ये हमारे जो क्लोरोफिल फॉर्मेशन के रिएक्शन के लिए जो एंजाइम्स हैं उनको एक्टिवेट करने का काम करता है। तो मैंगनीज डेफिशिएंट प्लांट्स विल डेवलप क्लोरोसिस बिटवीन द वेन्स ऑफ इट्स लीव्स। अब अगर क्लोरोफिल फॉर्मेशन ही नहीं होगा तो जो वेन्स हैं वो कहाँ पर दिखाई देने लगेंगी, जहाँ पर मैंगनीज डेफिशिएंट प्लांट हैं। द अवेलेबिलिटी ऑफ मैंगनीज इज पार्शली डिपेंडेंट ऑन सॉइल पीएच। अब जो हमारा मैग्नीज और आयरन है ये दोनों के दोनों माइक्रोन्यूट्रिएंट्स क्लोरोफिल से रिलेटेड हैं, और अगर इन दोनों की डेफिशिएंसी, इनमें से किसी की भी डेफिशिएंसी होती है तो डेफिनेटली क्लोरोसिस हमें दिखाई देगा, मीन्स क्लोरोफिल का निर्माण नहीं होगा। मॉलिब्डेनम इज एसेंशियल टू प्लांट हेल्थ एज इट इज यूज बाय प्लांट्स टू रिड्यूस नाइट्रेट्स इन टू यूजेबल फॉर्म्स। अब यहाँ पर जो हमारे नाइट्रेट्स है उनको रिड्यूस करने का काम कौन करता है, मॉलिब्डेनम। तो मॉलिब्डेनम भी हमारे प्लांट्स के लिए एक एसेंशियल एलिमेंट्स है, क्योंकि हमने देखा क्योंकि नाइट्रोजन एटमोसफेयर में 70% से ज़्यादा नाइट्रोजन अवेलेबल है, पर वो उस फॉर्म में होने चाहिए जो हमारे पौधों के काम में हो। तो मॉलिब्डेनम जो एसेंशियल एलिमेंट है वो हमारे नाइट्रेट्स को रिड्यूस करने का काम करता है, ताकि यूजेबल फॉर्म्स में कन्वर्ट हो सके। सम प्लांट्स यूज इट फॉर नाइट्रोजन फिक्सेशन, कुछ जो प्लांट्स हैं मॉलिब्डेनम को नाइट्रोजन फिक्सेशन के काम में लेते हैं। दस इट मे नीड टू बी एडेड टू सम सॉइल्स बिफोर सीडिंग लेग्यूमेंट्स।
तो यहाँ पर मॉलिब्डेनम इनडायरेक्ट रूप में हमारे नाइट्रोजन को अफेक्ट कर रहा है, और नाइट्रोजन हमारा मेन फ्रेमवर्क एलिमेंट्स था, जैसा कि हमने स्टार्टिंग में देखा था। जो भी प्रोटीन्स हैं, न्यूक्लिक एसिड्स हैं, वो सारे नाइट्रोजन बेस्ड हैं, और नाइट्रोजन कार्बन और ऑक्सीजन के साथ हमारा मेन एलिमेंट है किसी भी सेल का या मैक्रोमोलिक्यूल्स का या जो भी सेलुलर स्ट्रक्चर है उसका। तो यहाँ पर मॉलिब्डेनम नाइट्रोजन को नाइट्रेट्स की फॉर्म के अंदर, यूजेबल फॉर्म्स के अंदर कन्वर्ट कर देता है। जिंक, जिंक पार्टिसिपेट्स इन क्लोरोफिल फॉर्मेशन एंड ऑल्सो एक्टिवेट्स मैनी एंजाइम्स। तो यहाँ पर जिंक भी क्लोरोफिल फॉर्मेशन में काम में आ रहा है, तो अगर जिंक की भी डेफिशिएंसी होगी तो वही सिम्टम्स देखने को मिलेंगे जो जो हमारे हमने आयरन डेफिशिएंसी के अंदर देखे थे। सिम्टम्स ऑफ जिंक डेफिशिएंसी इंक्लूड्स क्लोरोसिस एंड स्टंटेड ग्रोथ। यहाँ पर क्लोरोफिल से जो भी काम हो रहे हैं वो सारे के सारे हमारे जिंक से अफेक्ट होंगे, क्योंकि क्लोरोफिल फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करता है, और अगर जिंक की डेफिशिएंसी होगी तो क्लोरोफिल फॉर्मेशन में दिक्कत आएगी या कमी आएगी, तो उसका जो डायरेक्ट इफेक्ट होगा प्लांट ग्रोथ पर होगा। इसीलिए जिन भी पौधों में जिंक की कमी है वो उनमें ग्रोथ की कमी होती है। डेफिशियंसीज इन एनी ऑफ दीज न्यूट्रिएंट्स, पर्टिकुलरली द मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, कैन एडवर्सली अफेक्ट प्लांट ग्रोथ। डेफिनेटली अगर कोई भी एलिमेंट जो हमारी ग्रोथ के लिए, मेंटेनेंस के लिए ज़रूरी है और जिसका कोई दूसरा सब्स्टिट्यूट भी नहीं है, ऐसे किसी भी एलिमेंट या न्यूट्रिएंट की अगर कमी होती है तो हमारे प्लांट ग्रोथ पर एडवर्स इफेक्ट पड़ता है। डिपेंडिंग ऑन द स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट, लैक कैन कॉज स्टंटेड ग्रोथ, स्लो ग्रोथ और क्लोरोसिस। एक्सट्रीम डेफिशियंसीज में रिजल्ट इन लीव्स शोइंग साइंस ऑफ सेल डेथ। तो ये जो हमने मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स पढ़े, इनमें से किसी भी न्यूट्रिएंट की अगर कमी होती है तो हमारा जो प्लांट की ग्रोथ है वो अफेक्ट होगी, क्लोरोसिस होगा, मीन्स फोटोसिंथेसिस अफेक्ट होगा। तो इस तरीके से जितनी भी फोटोसिंथेसिस अफेक्ट होगा तो एटीपी फॉर्मेशन, एनर्जी को स्टोर नहीं कर पाएंगे, एनर्जी नहीं होगी तो जितनी भी मेटाबॉलिक या कैटाबॉलिक रिएक्शंस हो रही हैं वो सारी नहीं होगी। अब जब ये नहीं होगा तो सेल डिविजन पॉसिबल नहीं है। तो ये सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स, मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, भले ही अधिक मात्रा में आवश्यक हों या कम मात्रा में आवश्यक हों, बहुत एसेंशियल हैं, आवश्यक हैं प्लांट ग्रोथ के लिए, प्लांट डेवलपमेंट के लिए। और इनकी कमी अगर एक्सट्रीम लेवल पर हो तो हमारी जो लीव्स हैं वो सेल डेथ के साइंस भी शो करती हैं। दिस इज़ ऑल अबाउट द मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। थैंक यू।